नमस्कार, मैं आकाश वर्मा आप सभी से डोनेशन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी में मुख्यतः दो तरह से डोनेशन ली जाती है। पहला ऑनलाइन डोनेशन, दूसरा आपका धन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। इसके अतिरिक्त पार्टी ने बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। इस तकनीक को नाम दिया गया है SDP, यानी सिस्टमैटिक डोनेशन प्लान। यदि कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी को हर महीने एक निर्धारित राशि दान करना चाहता है, तो SDP द्वारा हर महीने वह निर्धारित राशि उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट से निकलकर आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट में आ जाएगी। सिस्टमैटिक डोनेशन प्लान का फॉर्म आम आदमी पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं और फॉर्म भर के आम आदमी पार्टी नज़दीकी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सिस्टमैटिक डोनेशन प्लान के फॉर्म को भरा किस तरह से जाता है। सबसे पहले है UMRN नंबर। यह नंबर बैंक से जनरेट होता है। जब ये फॉर्म हम बैंक के पास भेजते हैं तो वहाँ से ये नंबर जनरेट होता है, इसलिए हम इसको अभी ब्लैंक छोड़ देंगे। डेट भी ब्लैंक छोड़ देंगे, ये डेट भी UMRN के साथ भरी जाएगी। स्पॉन्सर बैंक कोड ऑलरेडी मेंशन है, यूटिलिटी कोड ये भी ऑलरेडी मेंशन है, ऑथराइज पार्टी आम आदमी पार्टी जिसको हम लोग पैसा दे रहे हैं वो भी ऑलरेडी मेंशन है, टू डेबिट क्लिक SB, ये आपका अगर अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट है तो आप यहाँ पे SB पे क्लिक करेंगे, CA अकाउंट है तो इस पर करेंगे, कैश क्रेडिट अकाउंट है तो इस पर टिक करेंगे, जिस भी तरह का आपका बैंक अकाउंट है उस पर टिक करके आप उसको मेंशन करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर आप लिखेंगे, नेम ऑफ कस्टमर्स बैंक अपने बैंक का नाम, जो कस्टमर का बैंक है यानी कि जो डोनर का बैंक है वो यहाँ पर आएगा, IFSC कोड, यह IFSC कोड ब्रांच का कोड होता है, बैंक की पर्टिकुलर ब्रांच का कोड होता है जो कि चेक बुक पे और चेक पर भी अवेलेबल होता है, आप वहाँ से देखकर IFSC कोड भर सकते हैं या MCR कोड भर सकते हैं। यहाँ पर हम भरेंगे हम जितना अमाउंट देना चाहते हैं, अगर यहाँ पर 100 रुपये हम देना चाहते हैं तो यहाँ पर 100 रुपीज़ हम भर देंगे और इस तरफ 100 रुपये भर देंगे, 100। फ्रीक्वेंसी मंथली पे हमने ऑलरेडी टिक करके रखा हुआ है, हर महीने यानी कि हर महीने 100 रुपये आपके अकाउंट से आम आदमी पार्टी के अकाउंट में आएंगे। रेफरेंस नंबर 1, रेफरेंस 2 दोनों ब्लैंक छोड़े जाएंगे, इसको नहीं भरना, ये पार्टी यूज़ के लिए है। यहाँ डोनर का फ़ोन नंबर और यहाँ डोनर की ईमेल आईडी। पीरियड यानी कि किस पीरियड तक डोनर आम आदमी पार्टी को डोनेट करना चाहता है, यहाँ पे फ्रॉम डेट लिखेंगे, यहाँ पे टू डेट लिखेंगे, तो फ्रॉम इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपके अकाउंट से पैसा कट के आम आदमी पार्टी के अकाउंट में जाता रहेगा। अगर कोई फ्रॉम डोनेशन भर के अनटिल कैंसिल पे टिक करता है तो इसका मतलब होता है कि जब तक डोनर कैंसिल नहीं करेगा तब तक आम आदमी पार्टी के अकाउंट में उसके अकाउंट से पैसे जाते रहेंगे। सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यदि जॉइंट अकाउंट है तो 2 लोगों के साइन, यदि 3 लोगों का जॉइंट अकाउंट है तो 3 लोगों के साइन कराए जाएंगे, और यदि किसी का पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पर उसके सिग्नेचर होंगे और यहाँ उसका नाम, यहाँ डोनर का नाम, फ़ोन नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी और डोनर का एड्रेस भरेंगे। डोनेशन का अमाउंट, जितना अमाउंट वो डोनेट करना चाह रहे हैं। रिसिप्ट, ईमेल या SMS, जिस भी रूप में आप यहाँ पे टिक करेंगे उस रूप में आपको हर महीने जब जब आपके अकाउंट से पैसा कट के आम आदमी पार्टी के अकाउंट में जाएगा आपको एक ऑटोमेटिक रिसिप्ट जनरेट होगी आम आदमी पार्टी की तरफ से।
ईमेल और एसएमएस के रूप में। सिग्नेचर ऑफ डोनर, यहां फॉर्म भरवाने वाले वॉलंटियर का नाम, उसकी स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसकी असेंबली और उसका बूथ नंबर। फॉर्म भरने से पहले हमारी गाइडलाइंस जरूर आप पढ़ लें। तो इस माध्यम से आप भी अपनी पार्टी को हर महीने आर्थिक रूप से सहयोग दे सकते हैं। जय हिंद।